तो गाइस अक्सर लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि मनीष जी एक चीज बताओ यार, क्या हमें घर को सुंदर बनाने के लिए फॉल्स सीलिंग करना जरूरी है? क्योंकि यार फॉल्स सीलिंग अब हो गया आउट ऑफ ट्रेंड और हमें ना अपनी हाइट छोटी नहीं करनी है, हमें अपने घर को बल्की नहीं बनाना है। तो क्या फॉल्स सीलिंग नेसेसरी है? नहीं, हमें फॉल्स सीलिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है और उसके बाद भी हम अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप अपने घर को पूरा 100 times अपने घर को और ओके घर से ब्यूटीफुल बनाओगे जिनके घर में फॉल सीलिंग है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे और मैं हूं आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। तो गाइस ये फॉल सीलिंग के बिना कैसे हम घर को सुंदर बनाएंगे, वो जानने के लिए हमें उसके पीछे की टेक्निकलिटीज को जानना पड़ेगा। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज की वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा और बीच में जो टेक्निक मैं बताऊंगा अगर वो एक भी मिस हो गई ना, स्टेप ऊपर नीचे हो गए, तो आपका घर सुंदर तो छोड़ो, इतना गंदा दिखाई देगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें समझनी जरूरी है, ठीक है? कि एक, हमें दो टाइप की लाइट जो है वो घर के अंदर डालनी होती है, ठीक है? वो क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं हमारी एक्रिलिक बेस्ड लाइट की और दूसरी हमारी सीओबी लाइट की। किसी भी घर को सुंदर बनाने के लिए ये दो लाइट का होना जरूरी है, लेकिन ये लाइट्स लगाने के लिए तो हमें फॉल्स सीलिंग चाहिए और फॉल्स सीलिंग अब आप कर नहीं रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपके घर में दो लाइट्स जो चाहिए होती है वो होती है, एक होती है वेल लिट अप लाइट और दूसरी होती है वेल लाइम लाइट। मतलब क्या हुआ दोनों का? लिट अप लाइट का मतलब है जैसा कि मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं और हवा में ही लाइट फैल जाती है, लेकिन स्पॉट लाइट क्या करती है, एक पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करती है। फोटो देखो, वेल लिट अप लाइट से क्या होता है कि आंखों पे जोर नहीं पड़ता और भी बहुत सारे बेनिफिट जो मैंने अदर वीडियो में बताया वहां जाके आप देख लेना। लेकिन जब घर में गेस्ट आते हैं तो स्पॉट लाइट आपके घर को 5 star की फील देती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सारे दिन 5 star की हॉल में रहोगे, आखिरी में आते ही तो घर की याद है ना कि यार बस अब हो गया, अब चलते हैं घर। तो वो सारा गेम वेल लिट अप लाइट्स का ही होता है। तो वेल लिट अप लाइट हमें करेगी प्रोफाइल लाइट से और स्पॉट लाइट जो हमारी आएगी वो आएगी ट्रैक लाइट से। और सच बताऊं 99% डिजाइनर फॉल्स सीलिंग करने के बाद भी प्लेसमेंट ऑफ लाइट गलत देते हैं और टाइप ऑफ लाइट गलत बताते हैं। तो अब सबसे पहले आप कुछ ये फोटोज देखो कि वेल लिट अप कैसा दिखता है और वेल स्पॉटलाइट वाला कैसा लगता है। डिटेल में समझाने के लिए हम चलते हैं सीधा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब देखो ये कोई रेंडर नहीं है, ये कोई 3D नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल फोटोग्राफ, दिस इज एन एक्चुअल साइट। अब देखो इधर एक ट्रैक लाइट यहाँ पे है, एक ट्रैक लाइट यहाँ पे है। इसका काम क्या है? इसका काम है चीजों को फोकस करना, मतलब कि किसी भी चीज को और हाईलाइट करना। जैसे कि आपने देखा ना स्टेज पे डांसर नाचते हैं, लेकिन जो एक्टर या एक्ट्रेस होती है उसी के ऊपर मेन स्पॉटलाइट रहती है, रेस्ट ऑफ द पार्ट में लाइट नहीं रहती है। अब ये दूसरी फोटो देखो, ये क्या है? ये ट्रैक लाइट का फायदा है। इससे क्या हो रहा है देख रहे हो, जो चीज वॉल पे जो ट्रिम और फोटो फ्रेम डाला उसको हाईलाइट करना है तो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चीज हाईलाइट हो रही है। अगर मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाऊं कि व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ स्पॉटलाइट, सी दिस इज द लाइमलाइट आई एम टॉकिंग अबाउट। पे किचन के ऊपर ट्रैक लाइट डाला गया है जिसकी वजह आप सीलिंग के ऊपर देख रहे हो कोई लाइट नहीं है, लेकिन किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइट है। लेकिन अब आपने बोला यार मनीष ठीक है 5 star की फील तो आ गई, लेकिन वेल लिट अप कैसे करें? पहले आपको देखना है उसके बाद लगना कैसे है, वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो पूरा देखना। अब पहले आप ये प्रोफाइल लाइट के डिजाइन देख लो, इस प्रोफाइल लाइट से वेल लिट अप एरिया होता है। अब ये आपको दिख रहा होगा फॉल्स सीलिंग के अंदर डिजाइन है, बट दीज आर नॉट इन द फॉल्स सीलिंग, दीज डिजाइंस आर ऑन सीलिंग डायरेक्टली ऑन द स्लैब। और आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अच्छा ये बताओ इसमें क्या है, बॉर्डर पे फॉल सीलिंग है जो कि जरूरत नहीं थी करने की क्योंकि हमने वहां ट्रैक लाइट डाल दी है, लेकिन स्लैब पे फॉल सीलिंग नहीं है, स्लैब पे प्रोफाइल लाइट डाली है जिसकी वजह से नीचे वेल लिट अप होता है। डोंट वरी, लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा जिस घर में मैंने लगाई है। तो अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जितनी भी ट्रैक लाइट्स डालनी है
वो दीवार से 1.5 फुट यानी 1 फीट 6 इंचेस मैक्स टू मैक्स 2 फीट की दूरी पे डालनी है, इससे ज्यादा दूर नहीं डालनी है। सपोज करो सोफा है तो सोफे के ऊपर आ गई, सामने टीवी यूनिट है तो टीवी यूनिट के ऊपर आ गई, इस तरफ भी अगर कोई सिटिंग है तो वहां डाल सकते हो, अगर आपके कर्टेन्स की तरफ जगह है तो वहां भी डाल सकते हो। तब मैंने आपको बता दिया कि ट्रैक लाइट दीवार से कितना दूर डालना है। अब जो प्रोफाइल लाइट आपको डालना है वो आपको ट्रैक लाइट के बाद, दीवार से 1.5 फुट पे ट्रैक लाइट, उसके बाद फिर 1.5 फुट पे आपको डालनी है प्रोफाइल लाइट। और प्रोफाइल लाइट की जो लेयर घूमेगी वो लेयर कम से कम 2 लेयर होनी चाहिए, लेकिन कैसे क्या क्यों अभी कुछ मत सोचो, सिर्फ सुनते रहो, बाकी आपको सारी चीज स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, अगर प्रोसीजर में मैंने चेंज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो द पॉइंट इज, अब मैं आपको कुछ फोटो दिखा रहा हूँ, ये फोटो देखो। सवाल जो है वो ये है कि क्या ये प्रोफाइल लाइट दीवार पे है या दीवार के अंदर, जैसे होता है ना नीच के अंदर, मतलब अगर ये प्रोफाइल लाइट है तो क्या ये प्रोफाइल लाइट अंदर घुस गई फॉल सीलिंग में या सीधा दीवार पे है। फोटोज देख के बताओ, पहली फोटो, दूसरी फोटो, मैं जूम कर देता हूं आपके लिए, तीसरी फोटो, ये वाली फोटो। अब मैं आपको सीधा 2 वीडियोस दिखा रहा हूं, अब आप ये वीडियो देखो जरा। अब द पॉइंट इज कि अब मुझे ये बताओ, इन दोनों वीडियोस में क्या प्रोफाइल लाइट कोई ग्रूव काट के लगाई गई है? नहीं, ये प्रोफाइल लाइट, यू प्रोफाइल लाइट जो आती है, ये सीधा ही सीधा दीवार पे या सीलिंग पे लगाई जा सकती है। अब सबसे मेन पॉइंट जो इसके पीछे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सबसे पहली गलती वो ये होती है कि जब हम प्रोफाइल लाइट को लगा रहे हैं, प्रोफाइल लाइट लगेगी कैसे? बहुत सिंपल सा तरीका है, आपका बिजली वाला आएगा, इसको लगा के चला जाएगा। सेकेंड जो ट्रिक है वो ये है कि जब प्रोफाइल लाइट आप लो, उसकी जो डेप्थ है वो इतने इंचेस होनी चाहिए। प्रोफाइल लाइट कहीं भी सिंगल नहीं डालनी है बड़े एरिया में, हमेशा रेक्टेंगल कंप्लीट बनना चाहिए अगर हम फॉल्स सीलिंग नहीं कर रहे हैं तो। एल शेप नहीं डालना है, एक कई लोग डालते हैं इधर एल इधर एल इधर एल, वो नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी जो लाइट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो हमेशा पूरा रेक्टेंगल बनाना है और 2 रेक्टेंगल्स बनाने हैं। आप सपोज करो कि आप कहते हैं, यार मनीष जी हमने प्रोफाइल लाइट जो डाल रहे हैं ना उसके यहाँ पे फैन आ रहा है, तो होता है ना लाइट जब आती है तो फैन जब चलता है तो लाइट कटनी शुरू हो जाती है। इस केस में आपको क्या करना है, सिंगल लेयर ऑफ प्रोफाइल लाइट और 4 आपको डालनी है क्या, सरफेस लाइट, जो कि आजकल गोल्डन फ्रेम्स में आ रही है। नेक्स्ट, जब भी प्रोफाइल लाइट लगा रहे हो तो लगाने से पहले एक एरिया ऐसा ढूंढना है, हिडन एरिया, वो क्या है, वो कोई भी आपका दीवार में लाइट बॉक्स हो सकता है, नहीं तो आप डमी बॉक्स लगा सकते हो जिसके अंदर प्रोफाइल लाइट का अडेप्टर आएगा। दैट्स राइट, क्योंकि इतनी सारी अगर एलईडी स्ट्रिप घूमेगी तो अडेप्टर भी तो कहीं डालना पड़ेगा, वो अडेप्टर के लिए आपको दीवार में कहीं बॉक्स ढूंढ लेना है। अब आप कहोगे, यार मनीष जी सारी प्रोफाइल लाइट तो लग गई, अब इसकी वायरिंग कैसे जाएगी, क्योंकि दीवार में कोई कॉन्ड्यूट तो है नहीं और फॉल सीलिंग के अंदर से वायर ले जाते हैं। कुछ नहीं करना है, दीवार के प्लास्टर में झिर्री काटनी है, वायर को वहां पे दबा देना है और ले जाके जहां पे आपको बॉक्स होगा वहां जाके अडेप्टर जोड़ के रख देना है। यही हम कोशिश करते हैं कि YouTube के थ्रू हम आपको सारी चीजें सिखा सके कि आपको हमारे पास भी आना ना पड़े। बाकी अगर आप आना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। और हम कैसे मौज मस्ती करते हैं, कैसा हमारा एडवेंट वर्क कल्चर है, कैसे हमारी टीम काम करती है, तो वो आप हमारे दूसरे चैनल को शॉर्ट्स पे जाके हम कर सकते हो। और यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, जहाँ पे भी 2 चैनल है, जहाँ पे हम एक टेक्निकल सारी चीजें बताते हैं रील्स डाल के, और दूसरा जहाँ पे हम एनवायरमेंट कल्चर दिखाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।